बच्चों मैंने सोचा था सब लोग फर्स्ट अपॉर्चुनिटी करते बोल के, क्यों इधर रिफाइनिंग बोला हुआ है। ये रिफाइनिंग स्टेप पे क्या कौन सा अपने को मैकार्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, हाइड्रोमेटलर्जी रिफाइनिंग है, रिडक्शन प्रोसेस है बच्चों। हाँ रिडक्शन, रिफाइनिंग का टिक कर ले सब लोग। फ्लोटेशन में एब्जॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन। क्रोम आयरन है Fe0.Cr2O3, आयरन रहा तो मैग्नेटिक नहीं होता है क्या? क्रोमाइट और कोई क्या बोलते अपन, क्रोम आयरन बोलते हैं, Fe0.Cr2O3 है, बराबर है क्या? नहीं। नेक्स्ट उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद कौन सा दिया भाई? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ रिफाइनिंग पीबी में जनरली क्या होता है, पीबीएस F6 बनता है। नेक्स्ट देखो रे, नेक्स्ट देखो सर वो तो बी ऑप्शन तो सही है ना, क्या सिन टिन रिफाइंड फ्रॉम इंप्यूरिटीज विद हाई बॉइलिंग पॉइंट पोलिंग मेथड। पोलिंग में कौन सा किसके लिए करते अपन, कॉपर के लिए करते? कॉपर के लिए करते। तो भी टिन के लिए भी करते सर, टिन के लिए। हां पोलिंग, हां देखो एक बार। और सर वो सी ऑप्शन भी तो गलत है फिर। हाँ सर, टीम को करते हैं। एक मिनट सर, टीम को इक्वेशन करते हैं। सुनो जिंक का एडमियम जनरली बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस रहा तो ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट्स कम रहता है, बराबर है क्या? ठीक है, ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट्स कम रहता है, जल्दी उड़ जाता है तो डिस्टिलेशन करके निकालते हैं। ये पॉइंट सही है सी वाला, तुम कैसे गलत बोल रहे हैं? क्योंकि कंप्लीट लिक्विड कॉन्फिगरेशन है तो बॉन्ड बनने के लिए कोई एनमेट रखना नहीं है जिंक और कैडमियम में, तो वोलेटाइल ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला इंप्योरिटीज रहा डायरेक्टली जिंक और कैडमियम क्या होता है, डिस्टिलेशन करके उड़ा देते हैं, तो सी वाला तो गलत नहीं है। ठीक है, और SiCl जर्मेनियम फ्रॉम इंप्योरिटीज जोन रिफाइनिंग मेथड। और जोन रिफाइनिंग में जनरली कौन से इसके लिए यूज करते हैं? मेटलॉइड्स के लिए यूज करते हैं बोल के एक पॉइंट बोलता है ना, सेमीकंडक्टर्स। हां सेमीकंडक्टर्स मेटलॉइड्स के लिए जनरली यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर्स के लिए जोन रिफाइनिंग यूज करते हैं, वो भी बराबर था। ठीक है, तो ये आंसर बी आंसर बराबर है रे। देख लो एक बार फिर, रिफाइंड फ्रॉम इंप्यूरिटीज विद हाई बॉइलिंग पॉइंट पोलिंग मेथड। हाई बॉइलिंग पॉइंट है क्या? उड़ने वालों का बॉइलिंग पॉइंट क्या चाहिए? उड़ने वालों का बॉइलिंग पॉइंट क्या चाहिए? बोलिंग मेथड तो यूज करते हैं, उड़ने वालों का बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है हाई रहता है? लो। फिर इधर क्या दिया भाई? बॉइलिंग मतलब क्या है? उड़ना चाहिए, लो बॉइलिंग वाला तो जल्दी उड़ता है, हाई बॉइलिंग वाला उड़ेंगे क्या? फिर कैसे सेपरेट करेंगे अपन? अपने को CU है, CH4+CU करते हैं अपन। क्या करते हैं? CO गैस फॉर्म में उड़ जाता है, गैस मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है इसलिए जल्दी उड़ जाता है, फिर इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना उड़ता ही क्या, इसलिए इनकरेक्ट है। पोलिंग के लिए ठीक है, पोलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जनरली अपना सिलेबस में कॉपर दिया हुआ पोलिंग के लिए। नेक्स्ट देखो बच्चों,
बच्चों ऑप्शन बी भी बराबर है, ठीक है, और ऑप्शन डी भी बराबर है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चेंज नहीं होता है क्योंकि फैराडे सेकंड लॉ इन्वॉल्व होता है अपने को, तो इसलिए क्या होता है दोनों चेंज नहीं होता है। पीडी दोनों आंसर से बच्चों। देखो नेक्स्ट, ओमकार आ गया थर्ड क्वेश्चन पे आज। बाकी लोग किधर दिख रहा ही नहीं, ये नीट वाला करके आ रहे थे, टाइम मिल रहा है उनके बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे क्या? सर इसमें पोल लिख भी हो सकता है। मैम शाम की टाइम पे अटेंड करने दीजिए, एक घंटा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, मैं बात करता हूँ।
हाँ हो गए बच्चों, हो गए क्या? क्यू प्लस किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? क्यूप्लेशन में जिंक डाल देना अपन, सिल्वर और जिंक डालते क्रूसिबल में, कौन से इसमें? कैल्शियम फास्फेट का क्रूसिबल में क्या होता है? जिंक ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट करके जनरली क्या हो जाता है? उड़ जाता है। जिंक और सिल्वर दो लेयर्स बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ इंप्योरिटीज जल्दी बन जाता है, ठीक है? फिर क्या होता है, डिस्टिलेशन करके दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन का एफिनिटी बोला होता है, क्यूप्लेशन आ जाता है। बराबर है कि बच्चों? ऑक्सीजन का एफिनिटी बोला होता है, क्यूप्लेशन आ जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, बच्चों लिक्विडेशन के लिए जनरली कौन सा मेटल्स यूज करते हैं? लिक्विड मेटल्स है ये, सीजियम, फ्रांशियम, गैलियम, ऐसे मेटल्स के लिए यूज करते हैं लिक्विडेशन। सिलिकॉन के लिए यूज करते क्या? नहीं। बाकी सब पॉइंट्स बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रे, जल्दी जल्दी कर दो जल्दी। नितिन कॉल करना, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया।
ये सब कहां से निकाला? गलीना मतलब कौन सा? पीबीएस, ऑक्सिडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर रेस्पेक्टिवली। पीबीएस को करने के टाइम पे सेल्फ रिडक्शन होता है ना, पीबीएस प्लस पीबीओ, पीओस क्या बनता है बच्चों? पीबी बनता है। डिपॉजिट क्या है ना, कह दिया भाई एक मिनट। In self reduction method for extraction of metal from galena, PBS oxidizing agent and reducing agents are respectively. PBS और PBO में एक oxidizing agent है, एक reducing agent होता है, वही है। ठीक है, next देखो बच्चों कौन सा है अपने को, उसके बाद कौन सा रे? नेक्स्ट देखो बच्चों, कॉल किया क्या साक्षी लड्डा को? कॉल करना यार। क्या करो, ठीक है तुम्हारा, ठीक है मैं क्वांटम बड़ा कर दूंगा, तो क्या करो एक क्लास आइडेंटिफाई
कल से मेरे को कार सेटिंग कर रही है, कल सॉलिड स्टेट का पेपर है ना, ठीक है 6:45 से होता है शुरू हर रोज, ठीक है करते जाओ। हाँ 6:45 हाँ मैं कुछ करता हूँ। अरे वो तुम लोगों का एनसीईआरटी के टेस्ट सुधार है ना, हम लोग वो मोबाइल के लिए आप कर रहे, तुम लोग लैपटॉप में दे रहे हो, लिखो रहे, फिर एक काम करेंगे हम लोग ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे सकते, डायरेक्टली मेरे पेपर बना के पीडीएफ कर दूंगा। सोच लिया हुआ है, नहीं हो रहा है। ठीक है एक मिनट में बात करता रुको मैं क्लास में। ठीक हो गए बच्चों, आ देखो इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर रोस्टेड ओर, कौन सा है, कौन सा इसे रिप्लेस करते हैं अपन, जिंक से रिप्लेस करते ना, बराबर है, जिंक से रिप्लेस करते बच्चों। आ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रे, बराबर है, टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए मोस्ट इसमें क्या है, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं बच्चों अपन, कौन सा इसके लिए यूज करते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखो बच्चों, Which of the following statement is incorrect? बच्चों हाल्स प्रोसेस में कार्बन रिडक्शन कहां से आ गया, हाल्स प्रोसेस में कार्बन रिडक्शन कहां रहता बच्चों, नेक्स्ट देखो रे, नेक्स्ट देखो बच्चों,
हमारे जो प्रॉब्लम है लैपटॉप में जो बहुत सोडा पान मिल रहा है कल शाम को लैपटॉप लेके आ जाऊंगा ठीक है। मैं प्रॉब्लम में तो उस दिन क्या लगता है मोबाइल में होने वाले एग्जाम तो लैपटॉप पे कैसे दे वो समझ में आया फर्स्ट पॉइंट एग्जाम मोबाइल के लिए बना ठीक है कल कल बता दो मेरे को कल एक बार लेके आके बता दो मैं लिखता हूँ ठीक है 6 बजे बाद हो गया बच्चों। इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड इट इज मिक्सड विद कोक एंड हीटेड विद 800 इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन दिस इज कौन सा प्रोसेस है बच्चों सरपेक्स नाइट्रोजन का प्रेजेंस में एएलएन बनता है ना तो होता है कौन सा अपने को बच्चों सरपेक्स प्रोसेस। नाइट्रोजन का प्रेजेंस में होने वाला प्रोसेस कौन सा होता है बच्चों सरपेक्स प्रोसेस। Phosphorylation process used for the concentration of sulfide ore. सब कौन सा होता है बच्चों कलेक्टर से यूज करते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिटीज रहता है और एनएससीएन डिफरेंट्स की जैसे यूज करते हैं सारे के सारे पॉइंट्स बराबर है। कौन सा होता है अपने को कौन सा होता है बच्चों ठीक है नेक्स्ट देखो बच्चों हो गया बच्चों Na2ZnCl4 क्या होता है बच्चों सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं Na2ZnCl4 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसलिए ये कौन से यूज करते हैं NaCl यूज करते हैं बच्चों दोनों अगर दिया तो कौन से यूज करते हैं ऐसा क्वेश्चन मांगता है नेक्स्ट देखो बच्चों एल्यूमिनियम मेटल इज प्यूरिफाइड बाय
आइए क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, देख लो रिफाइनिंग कौन से ऐसे करते हैं बच्चों, रिफाइनिंग किसे करते हैं, हूप्स प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन के लिए उतना टाइम नहीं लेने का बच्चों, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड, ये भी इजी क्वेश्चन है बच्चों, अपना सिलेबस में जितना है उतना देख लो बस हो जाता है काम। अरे हाउ सी वाटर प्रोसेस कैल्शियम के लिए होता है, जनरली अपन जिंक रिडक्शन करने के लिए, रिडक्शन करने के टाइम पे इक्वेशन होता है, इधर क्या दिया इक्वेशन करने के टाइम पे लिक्विड बनता है, जिंक लिक्विड बनता है बोल के दिया, वो गलत है, बहुत कम बच्चों को बराबर है पॉइंट। कौशिक आ रहा है ऊपर आ रहा है एकदम से, देखो बच्चों नेक्स्ट ऐसे एक आधा क्वेश्चन कर लिया तो ये ऊपर आ जाते हैं, जो सबको आ रहा है वो आना चाहिए और जिसको नहीं आ रहा है वो एक आधा आना चाहिए अपने को। सर फिगर ही नहीं है, डायग्राम नहीं दिख रहा है, छोड़ दो, अरे वैन आर्कलर प्रोसेस और मॉन्ट प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, अपन वैन आर्कलर और मॉन्ट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग बोलते हैं ना अपन, ठीक है वेपर फेज रिफाइनिंग है, किस किस को बोलते हैं, वैन आर्कलर और मॉन्ट प्रोसेस को, दोनों को बोलते हैं बच्चों वेपर फेज रिफाइनिंग और दोनों को बोलते, देख लो नेक्स्ट स्टील मेकिंग में इंप्यूरिटीज किससे निकालता है, स्टील मेकिंग में इंप्यूरिटीज जनरली कौन सा होता है, ऑक्साइड ओर्स बनता है, रस्टिंग होता है, रस्टिंग को निकालने के लिए जनरली क्या करते हैं,
ऑक्सीडेशन करते हैं उसको, Fe2+ नहीं बनना चाहिए उसको, Fe3+ फॉर्म में रुकना चाहिए। ऑक्सीडेशन कर दिया वो Fe2+ Fe3+ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तुम लोग क्या सोच रहे हैं, वो जो उसमें रिडक्शन प्रोसेस में अपन स्लैग बना के निकाल लेते हैं, ऐसा बोल के सब लोग सीख गया हुआ है। ऑक्सीडेशन करते हैं Fe2O3 रस्ट नहीं बनने देने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछते बच्चों। रस्ट नहीं बनने देने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछते लिख लो। हो गया बच्चों, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन के इतना टाइम नहीं लगता बच्चों, देख लो। बोलो रे, एनोड मोड में कौन सा रहता है, एनोड मोड में कौन सा रहता है बच्चों, बोलो जल्दी, एनोड मोड में कौन सा रहता है। गोल्ड सिल्वर रहता है ना। नेक्स्ट इनकर स्टेटमेंट इन एलेक्ट्रोलिस ऑफ Al2O3 बाय हाल्स प्रोसेस, हाल हेरल्ड्स प्रोसेस कौन सा रे। हो गए बच्चों, सर सी के से क्यों नहीं होगा, कौन सा वाला Al2CO3 कैसे यूज कर सकते हैं। NH3LF6 का काम क्या है, NH3LF6 का काम क्या है, टू रिड्यूस फ्यूजन टेम्परेचर टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। LI भी आया नहीं है ना, फ्यूजन टेम्परेचर को कम करते हैं और कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, दोनों सेम ग्रुप आयन्स है, लिथियम और सोडियम। ठीक है, एमजी आपको यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ फ्लोरस्पार, ये भी फ्लोरिन है, ये भी बराबर है। एक मिनट रुको, ट्रायलेट Na3LF है, वो फार्मूला गलत नहीं है ना, ट्रायलेट ये F5 हां ये बराबर है, ए का फार्मूला गलत दिया हुआ है, ए का फार्मूला गलत दिया हुआ है बच्चों, ये आंसर होना चाहिए। देखो नेक्स्ट, उसके बाद देखो रे,
ओके बैक कनेक्ट है बच्चों, डिकम्पोज नहीं होता है, हाईली वोल्टेज नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एल्यूमिनियम का, ठीक है। और एम्फो ट्रिक है उससे क्या लेना देना अपने को, बैड कंडक्टर। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए N3 NH6 डाल देना पर। देखो बच्चों नेक्स्ट, एक्वस साल से कौन सा एलिमेंट नहीं बनता, ये क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम नहीं देने वाला, जो भी और 5 सेकंड है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं देने वाला। कौन सा बच्चों, ये पॉइंट तीसरा बार आया है, हाइड्रोजन के ऊपर वाला मेटल जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर वाला मेटल जल्दी इसे नहीं कर पाते पर, बराबर है क्या। नेक्स्ट देखो बच्चों, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन के ऊपर वाला कौन सा रहता है, उसमें अपने को मैग्नीशियम है ना, बाकी सब एलिमेंट्स हाइड्रोजन के नीचे वाला दिया हुआ है। ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन आता है उसको जनरली क्या बोलते हैं बच्चों, वो प्योर फॉर्म में रहता है, इम्प्योर फॉर्म में रहता है, उसको कुछ कास्टिंग करते हैं, कुछ करते हैं, क्या नाम बोलते हैं, इसके भी ज्यादा टाइम नहीं देने वाला, हो गया क्या बच्चों। हाँ कौन सा है रे, पिक एन, क्योंकि पिक शेप में मोल्ड्स रहता है इसलिए पिक एन बोलते बोल के बोला था ना मैंने। नेक्स्ट देखो बच्चों, टाइमिंग क्यों बढ़ा दिया 35 क्वेश्चंस के, सेकंड क्यों बढ़ा दिया, किसने बोला है 35 है डबल कंट्रोलर बोल से, डबल बोल से 35, ये मेटलर्जी के लिए क्यों डाला होगा 35, ऐसा को बोले आप बच्चा सबके लिए, एक ही प्रेम में कॉपी में सर हो गए बच्चों। नेक्स्ट देखो, टाइम आगे ले जाने के लिए नेक्स्ट पर खत्म हो गया। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है, जोन ऑफ कंबशन में, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन में, जोन ऑफ फ्यूजन में, जोन ऑफ रिडक्शन में, कौन सा कंडीशन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर लगता है। सर हाँ बोलो, कल कौन सा चैप्टर है, कल सॉलिड स्टेट, कल बच्चों सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन सारे करके आ जाओ, हर टाइप का क्वेश्चन कवर होंगे उसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों,